तो वेलकम बैक। प्रीमिक्स का 14th डे आ चुका है आज, और 14th डे में आपसे कुछ क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करवाने हैं। और करते हैं, कल का क्वेश्चंस का लेवल शायद थोड़ा हाई था, काफी लोगों का स्कोर काफी डिप किया। तो देखो थोड़ा वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है, लेट्स सी कैसे चलता है। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, अगर मेरे को लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर करने हैं अक्रॉस रीजन्स, तो कौन सा इनमें से इंडिकेटर बेहतर रहेगा? नॉमिनल जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI भी कहते हैं इसे, या जीडीपी पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा इंडिकेटर कंपेयर करने के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर सभी कर सकते हैं। ओके, अपना आंसर मार्क करो, एंड द करेक्ट आंसर इज टू एंड थ्री ओनली। नॉमिनल जीडीपी दोस्तों, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला नॉमिनल जीडीपी से। तो ये हमें क्या बताती है कि बस कितना आज इस हमने इस साल कितना प्रोडक्ट था या कितना प्रोड्यूस किया सामान, सिर्फ कितना प्रोड्यूस किया उसके बारे में बताती है। दैट्स इट एट आवर करंट प्राइसेस। और हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ, इको की पूरी सीरीज पढ़ी है। इको की प्लेलिस्ट ढूंढो, स्टार्ट वॉचिंग इट, इको के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो देम। ओके नेक्स्ट, और आज ही जैसे सरकार ने जीडीपी का डेटा रिलीज किया है, तो ये क्वेश्चन हमने वहां से इसलिए बनाया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने क्वेश्चंस क्यों ऐसे बनाते हैं, लेकिन यूपीएससी भी क्वेश्चन कैसे भी बनाते हैं, यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाने, दैट इज आवर ओनली एम। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइक्लोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला, दे रोटेट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। पहला, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पोलर वॉर्टेक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ साइक्लोन। देन साइक्लोन्स आर मेजरली अ फीचर ऑफ ट्रॉपिक्स ओनली। ठीक है जी, तो साइक्लोन्स के रिलेटेड आपने बताना है। अभी साइक्लोन आया हुआ नीचे साउथ इंडिया में, एंड लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, पोलर वॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, या फिर अनकैरेट ट्रॉपिक्स का ही एक फीचर है। तो कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है आपको बतानी है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, एंड ऑल। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करो कि कुछ एलिमिनेट करो, जो आपको लगता है कि चीज ठीक नहीं है उसको एलिमिनेट करो। ओके, तो जैसे इसका आंसर मार्क करो अपना, एंड करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली, क्योंकि थ्री पता लग रहा है डिस्टिंक्टली। नहीं भाई, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होते हैं, जो जैसे यूएस में देखा आपने आए दिन, वहां पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं इनके, चलो, लेकिन प्रोसेस तो साइक्लोन्स ही हैं। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ब्रिटेन के ऊपर भी आते हैं, जो एयर मासेज है वहां पर, एयर मासेज वाला कॉन्सेप्ट ये मेंस में पूछ चुके हैं ये वाला। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और पढ़ो, ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू होंगे अभी, उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन हमने साइक्लोन पे एक ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ, मेंस के लिए बनाया था, तो इसको देख लेना। ठीक है, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है, एंड पोलर वॉर्टेक्स के बारे में भी पढ़ लेना, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट आर कंपेरेबल, इट सिग्निफाइज कि अगर PD एंड FD अगर कंपेरेबल है, बिल्कुल आसपास ही है, बराबर है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ हाई इंटरेस्ट पेमेंट इज बीइंग मेड, कि इंटरेस्ट पेमेंट हाई है। अ लो इंटरेस्ट पेमेंट इज बीइंग मेड, कि इंटरेस्ट पेमेंट लो है। इट मींस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट इन सिंक विद ग्लोबल मार्केट्स। या लास्ट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है जी, तो आप कंपेयर करो, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट क्या टर्म्स होती हैं, इनमें क्या रिलेशन है। इस पर भी वीडियो बनाया हुआ हमने, बहुत ही बेसिक्स हैं इको के, और इको के बेसिक्स पता होने चाहिए। कम से कम पेपर में आपको 7 से 10 सवाल दिखेंगे इको के बेसिक्स के, आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल रिलेशन है, अगर आपको आता होगा, कहानी क्लियर है, तो आंसर कर पाओगे। ओके, आंसर मार्क करो अपना, एंड द करेक्ट आंसर इज लो इंटरेस्ट पेमेंट इज बीइंग मेड, क्योंकि PD क्या होता है, PD इज FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मान के चलो, लेट्स से अगर आपका 100 है ये, ठीक है जी, FD 100 है, और लेट्स से यू कह रहे हैं कि PD एंड FD कंपेरेबल है, मान लो कि PD अपना 90 के आसपास है, आसपास ही है ना, 90 and 100, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 10 ही होगी, है ना। 90 100 में से 10 माइनस करेंगे तभी 90 आएगा, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कंपेरेबल कब बनेंगे, जब इंटरेस्ट पेमेंट विल बी लो। ओके,
इसके बारे में और भी पढ़ना बनता है, बहुत ज्यादा कुछ। आज हमने एफडी का भी डेटा रिलीज किया है सरकार ने, तो काफी बढ़ गया है वो। तो नंदलेस आप जाके इसका वीडियो देख सकते हो, इको की पूरी सीरीज बनी हुई है, उसमें जाके और पढ़ सकते हो, रमेश सिंह से पढ़ सकते हो, एटसेट्रा, बहुत कुछ। नेक्स्ट, क्विनीन, अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मलेरिया, इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्विनीन किससे निकाली जाती है, कौन से पेड़ से? पेड़ों के नाम क्या है हमारे पास? सिंकोना ट्री, यूकेलिप्टस ट्री, बैनियन ट्री, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब में से ये बन जाता है। पेड़ों के नाम है हमारे पास सिंकोना ट्रीज, यूकेलिप्टस ट्रीज, बैनियन ट्री, या ऑल ऑफ द अबव। आज WHO की रिपोर्ट आई है कुछ मलेरिया के रिगार्डिंग, क्यूनीन उसकी मेडिसिन होती है मलेरिया की, कौन से पेड़ से निकाली जाती है? अपना आंसर मार्क करो, बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे हिसाब से। आंसर इज सिनकोना ट्रीज। पहले तो सेंट्रल अमेरिका में मिलता था, लेकिन अब दुनिया भर में उगाया जाता है, क्योंकि इसकी मलेरिया के खिलाफ लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी है। किसकी? क्यूनीन की। ये भी याद रखना आप, क्यूनीन का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान इज अ नियोलिथिक साइट, प्री हड़प्पन फेज एट कलीबंगान एंड बनावली आर डिस्टिंक्टली ब्रोंज एज। पहली स्टेटमेंट है मेहरगढ़ नियोलिथिक है, क्या ये सही है? एंड देन कलीबंगान एंड बनावली की जो प्री हड़प्पन फेज है वो डिस्टिंक्टली ब्रोंज है। आपको बताना है दोनों में से, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन? ठीक है, अपना आंसर मार्क करो। कल आपका ये पहला लेक्चर प्री हिस्ट्री कवर हुआ है, उसी से सवाल बनाया हमने। ठीक है, आंसर मार्क करो अपना। एंड द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्या है, कौन सी है? दे आर डिस्टिंक्टली चालकोलिथिक। ठीक है, ब्रोंज एज नहीं है, दे आर डिस्टिंक्टली चालकोलिथिक। एंड मेहरगढ़ तो इनफैक्ट पूरे सब एशियन जो अपना रीजन है उसकी इकलौती न्यूलिथिक साइट है। ये स्टेटमेंट सही है। पेपर में आपको बहुत सवाल दिखेंगे ऐसे, तो अपना स्कोर कैलकुलेट करो और चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।